you to do? मैं पराठा बनाना। अब ये काफी अच्छा है यार, फर्स्ट टाइम में मतलब आपने राउंड राउंड साइड भी कर लिया, इतना ज्यादा किसी चीज का नक्शा नहीं बनाया आपने। नॉर्मल नक्शा नहीं बनाना। कैसे कैसे बनाया है ये? वो धूप लग रहा था इसलिए मैंने अपने लिए बनाया। और ये जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है छोटी सी पलाठी, ये वाली किसने खानी है? दो पलाठे खाऊंगा। हाँ जी बस करो, उसे उसकी अच्छी भली शक्ल थी, उसे क्या कर दिया? मेरे ख्याल में काफी मजाक हो गया भैया। कवर करो आटे का ढक्कन। चलो काफी हो गया, काफी चाहिए। क्या करती है इसको, क्या हुआ? अच्छा मतलब मैंने बना लिया था, इतना सारा खुशका लगा लिया इसके ऊपर। अब झाड़ी देखो कहाँ कहाँ गंद जा रहा है। उफ। चिन्नी दिस इज नॉट फेयर। चिन्नी बेटा ये तवा गरम है, पकाने पका लो, इसके नीचे आग नहीं जलानी, जितना पकेगा पक जाएगा बस, फिर चिड़ियों को डाल देना ये। हाँ फिर चिड़ियों को डाल देना, ठीक है? हाँ हाँ बस, ये अभी ऐसा नहीं बनेगा कि आप खा सको। आप खाएंगी? नहीं चिड़िया खाएंगी भाई, मैं क्यों खाऊंगी, मैं अपना बनाया हुआ इतना मजेदार पराठा खाऊंगी। आप खुद करो, बल्कि मैं क्यों आपकी हेल्प करूँ, खुद ही करो। हाँ कल भी तो आपने किया था इतना अच्छा। यो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर कैरियत से होंगे। और आज खाला नहीं आई हैं और मैंने जल्दी जल्दी से अंडा पराठे का नाश्ता करा दिया है बच्चों को, सब कुछ सेट हो गया है। और मैंने अब करनी है घर की सफाई, क्योंकि आज हमें जाना है एक अदद बर्थडे पार्टी पर, तो उसकी भी तैयारी करनी है जल्दी जल्दी से। और मेरी ये जो झाड़ू है ना, ये बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है, और मुझे खाला दो बार कह चुकी हैं कि बेटा झाड़ू मंगा दो, नहीं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं कहती हूँ अच्छा मैं मंगाती हूँ, और मैं भूल जाती हूँ बिल्कुल सलमान को कहना कि झाड़ू ला के दें। और आज मैं खुद लगा रही हूँ ना, तो अब मुझे बिल्कुल याद रहेगा कि मुझे झाड़ू मंगानी है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से दिल रही। अभी मुझे जल्दी जल्दी घर को समेट के फिर बच्चों को तैयार भी करना है, और बच्चों के कपड़े मैं रात को ही सिलेक्ट करके सोई थी कि इन्हें क्या पहना के लेके जाना है। और आज है दोपहर का फंक्शन, शाम को होता है ना तो फिर ज़रा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन हरबोंग फिर भी बहुत मचती है अगर किसी किस्म का फंक्शन हो तो। दोपहर को है और धूप धूप में हो जाएगा, ज़रा अच्छे मौसम में हो जाएगा। आजकल ठंड बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई हुई है ना, मज़ेदार किस्म की। तो हाय अल्लाह, ये झाड़ू की वीडियो देख के तो मुझे खुद चक्कर आने लगे, क्या आप लोग भी चक्कर आ गए हैं? बस जी, तो मैं झाड़ू दिए जा रही थी और बच्चों को कोसने दिए जा रही थी कि यहाँ पे भी रैपर फेंका हुआ है, वहाँ पे भी रैपर फेंका हुआ है, यहाँ पे भी गंद किया हुआ है, वहाँ पे भी गंद किया हुआ है। वैसे इन्होंने गंद भी बहुत किया था, सही बात है। चीज़ लेके आते हैं और इतने रैपर गिराते हैं, इतने रैपर गिराते हैं कि कुछ हद नहीं, ज़रा सारा देखो नहीं रोको तो बस जी गंद ही गंद। वैसे भी यहाँ बहुत अफसोस की बात है, जहाँ खा रही हो वहीं पे गिरा दियो हैं ये। आपकी सॉफ्टी भी अब मैं लेके जाऊंगी कल में, अच्छा रहेगा ना बहुत, इस तरह आप गंद घर को गंदा कर रही हो, आपकी चीजें भी बाहर फेंकती हूँ। और आज ही मैंने ना मेट्रो से ग्रॉसरी भी ऑर्डर की हुई थी, और मैं कोशिश कर रही थी बल्कि दुआ कर रही थी कि मेरे जाने से पहले ग्रॉसरी भी आ जाए, बजाय इसके कि हम ना हों घर तो फिर वो लोग आए बेचारे और उन्हें प्रॉब्लम हो डिलीवरी में। तो ये ग्रॉसरी भी आ गई थी, ज़्यादातर मैंने मीट ही ऑर्डर किया था, इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो जो चीज़ें चाहिए थी वही ऑर्डर की हुई थी। ये पिज़्ज़ा बेस घर में पड़ी हुई हो ना,
तो फिर कोई मेहमान आया आप जल्दी से उन्हें फटाफट से पिज़्ज़ा बना के दे सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। और ये तो सर्दियों में होना चाहिए घर में। हाँ जी हाँ, किचन में रख दें। और चाहिए शॉपर या ठीक है इतना ही? ये चिकन मिन्स, बीफ मिन्स, पाए और फिश, टिलापिया फिश है और रहू फिश है, ये सब मेट्रो से ऑर्डर किया था मैंने। और मेट्रो से ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमेशा मुझे आई हैं, बिल्कुल कोई नुक्स नहीं होता इनमें, हर चीज़ सही सलामत, बहुत अच्छी फ्रेश, मीट वगैरह सब कुछ बहुत फ्रेश होता है। पाए बहुत ज़बरदस्त होते हैं इनके, बहुत अच्छे से जले हुए, और जी कीमा और सब कुछ बहुत ज़बरदस्त आया है हमेशा ही।